चंपावत में जिला योजना की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक 10 मिनट भी नहीं चल सकी। दरअसल जिला पंचायत के बजट से योजना समिति के कई सदस्य नाराज थे। उनके विरोध के चलते बैठक के मानकों को पूरा नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी ओर बजट बढ़ाने को लेकर प्रभारी मंत्री जिले के दोनों विधायकों से सहमति लेती दिखी, लेकिन लोहाघाट से विधायक पूरन फ्रत्याल बैठक में कई आरोप लगाने के बाद मुखर दिखे, जिसके बाद पार्टी के दोनों विधायकों का रुख देख कर नाराज प्रभारी मंत्री ने बैठक स्थगित कर दी। मेरी कुछ बैठक हुई है इन 13 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी सम्मिलित रहे, तो आपका एक विषय आया कि जो हमारा उनका परिव्यय है वो कम कर दिया गया है। तो मैंने उनसे एक आग्रह किया है कि आप इसकी शुरुआत करें और मीटिंग में आए, और मीटिंग में एक डिस्कशन भी हो जाएगा और जो उचित होगा वो कर दिया जाएगा, ये मैंने उनको विश्वास दिलाया है। कोई नाराज हम नहीं है, जब यहाँ बहिष्कार है, कोरम पूरा नहीं है, तो हम तब बाहर आए हैं। हम कोई व्यक्तिगत नाराज नहीं है। स्थगित खुद उनने की है, हमने नहीं की है, खुद प्रभारी मंत्री ने स्थगित की है। आपको बता दें कि चंपावत में जिला पंचायत का बजट 5 करोड़ से 40 लाख करने पर जिला योजना के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ने बैठक का बहिष्कार किया। चंपावत से हरीश पांडे, पंजाब केसरी टीवी।